अरविंद अध्यक्ष तो विश्वंभर सिंह बने महामंत्री। वाराणसी। भारतीय जीवन बीमा निगम के मलदहिया में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के ब्रांच काउंसिल जिला शाखा कार्यालय मलदहिया के हुए द्विवार्षिक चुनाव में अरविंद उपाध्याय अध्यक्ष, विश्वंभर सिंह महामंत्री और रजनीश गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। गुरुवार को हुए चुनाव में सैकड़ों अभिकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वार्षिक अधिवेशन व चुनाव में 60 वर्ष से ऊपर के अभिकर्ताओं को अंगवस्त्रम व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। शाखा प्रबंधक हरीश कुमार ने बचे हुए वित्तीय वर्ष के दिनों में शाखा को व्यवसाय के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर ले जाने के टिप्स दिए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी, मंडल महामंत्री स्वर्ण सिंह, राजकुमार वर्मा, राकेश सिंह, संदीप सिंह, साहेब लाल पटेल, लालचंद मौर्य, निजामुद्दीन ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संदीप सिंह व संचालन प्रेमन मौर्य ने किया। आपकी अध्यक्षता कर रहे ब्रांच काउंसिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह जी, महामंत्री नितिन चंद्र राय जी, कोषाध्यक्ष दिसंबर जी, वाराणसी रीजनल काउंसिल के महामंत्री श्री स्वर्ण सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद उपाध्याय जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सम्मानित अधिकर्ता साथियों साथियों आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम चाहेंगे कि लास्ट तक, जब तक चुनावी प्रक्रिया न हो जाए, आप सभी की उपस्थिति रहे, क्योंकि एक अच्छी टीम का चयन हम लोगों को करना है। साथियों, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे आप लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे। हम लोगों ने संघर्ष किया, आप लोगों के सहयोग से संघर्ष किया और मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपका संगठन कहीं से ही हरा है। आपका संगठन हमेशा विजयी रहा है। साथियों, संगठन का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को अपमानित करना। ये संगठन का उद्देश्य है कि सबको सम्मान देना और गिव एंड टेक। उसी तरह से हम भी उम्मीद करते हैं कि हमको भी अभिकर्ताओं को सम्मान मिले, लेकिन जहां वो चीज़ नहीं मिलता है वहां हम लोग संघर्ष करते हैं। साथियों, ये हम लोगों की मदर ब्रांच है, इसके गरिमा को, इसके सम्मान को अपने कार्यों के माध्यम से हम लोगों को हमेशा ऊँचा रखना है, क्योंकि ये व्यवसायिक संस्थान है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, जिसे राजेश उपाध्याय जी ने, साहब लाल पटेल जी, हमारे रीजनल काउंसिल के महामंत्री स्वर्ण सिंह जी, सारी बातों को रखा है, फिर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। साथियों, बाढ़ अग्रिम नहीं मिला है, ये मेरा दावा है कि बाढ़ अग्रिम सबको मिलेगा, चाहे जिस स्तर पर जाना होगा। 1956 से लेकर के आज तक बाढ़ अग्रिम सबको मिला है, एक परिवार है। यहाँ आने वाला अब अधिकारी जो इगोलिस्ट टाइप के हैं, जो अपने को ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। चाहे हम लोगों की एजेंसी रहे चाहे न रहे, जब तक रहेंगे हम लोग सम्मान से रहेंगे और सम्मान देंगे। अगर उसको कोई इग्नोर करेगा तो निश्चित रूप से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, बाढ़ अग्रिम हमेशा भौतिक सत्यापन के आधार पर दिया जाता था। अधिकारी कर्मचारी एक विश्वास, संस्था एक विश्वास पर चल रहा है, उस विश्वास को जो नए अधिकारी आ रहे हैं वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। चाहे जिस स्तर पर हम लोगों को जाना होगा उस स्तर पर हम लोग जाएंगे। बस आप लोग, ये परिवार है, ये संगठन है, इसको मजबूत तन मन धन से करें। किसी के साथ भी दुख सुख हो उस पर जो है सहभागिता अपनी निश्चित करें। अपरोक्ष रूप से संगठन मजबूत रहेगा तो बहुत सबको लाभ होगा। इस दृष्टिकोण से हम लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का इंडिविजुअल सोर्सिंग का कहीं से लाभ है, या मेरा लाभ है, या दिसंबर जी का लाभ है। ये व्यवस्था है कि पुष्ट पोलियो रहनी चाहिए, उसी के पीछे लोग चलते हैं। तो जो नई टीम आएगी वो बहुत मजबूत टीम होगी। जो पुरानी टीम थी, आप देखे होंगे, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, चाहे ब्रांच शिफ्टिंग को लेकर के,
साथियों कहे या न कहे कोई, लेकिन ब्रांच जो जहाँ पर शिफ्ट हुआ है, सारे अभिकर्ता, सारे जो है अधिकारी कर्मचारी दुखी है। सिर्फ अगर एक वर्ग सुखी है तो विकास अधिकारी सुखी है। साथियों ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा लोगों को विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग हमेशा गलत चीज का विरोध करेंगे, ये हम लोगों के जेहन में है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो साथियों अब हम बहुत सारी बातें हो गई हैं, बस आप लोगों से एक ही अपील करेंगे, ये संगठन आपका है, ये परिवार आपका है, समय से अपनी सदस्यता लें, क्योंकि सारी शक्तियाँ वहीं छीन हो जाती है जहाँ कोष का भाव होता है। अभी विशंबर जी ने अपने आय व्यय का ब्यौरा दिए हैं कि 13,000 रुपया जो है खर्च हुआ है, लेकिन आय कितना हुआ 9,000 समथिंग। तो साथियों कोई काम रुकता नहीं है, कोष का कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसे सक्षम लोग हैं कि जहाँ 2-4-5 हज़ार की जरूरत पड़ती है अपने पास से लोग लगा देते हैं, कार्य जो है कहीं रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये सोचना है कि किसी का कार्य तो है नहीं, सबके सहयोग से सबके लिए काम होता है, इसलिए सब लोग अपनी सदस्यता ग्रहण करें। एक साल में 200 रुपया मात्र देना पड़ रहा है, उसको आप लोग निश्चित रूप से रसीद कटवा करके अपनी सदस्यता लें। आगे सर जो भी टीम आएगी उसको हम शुभकामना देते हैं, अग्रिम शुभकामना देते हैं, और पुरानी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग 2 साल का कार्यकाल जो है आप लोगों ने अच्छे तरह से जो है निर्वाह किया। साथियों आगे जो चुनाव प्रक्रिया होगी उसमें कितने मेंबर हैं सारी चीजें बताया जाएगा। इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज़। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।